अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। इस वक्त हम खड़े ज़ियारत के रास्ते के ऊपर और दिखाते हैं हम आपको ज़ियारत में क्या क्या है और कैसा है ज़ियारत में। इस वक्त बहुत ठंडी हुई हुई है, ठंड लगी पड़ी है और मज़ा आ रहा है। ड्रोन भी हमारा जो है ना टिश्यूम ट्राई टाई फिश हो चुकी है ड्रोन की। देखते हैं क्या होता है। ड्रोन को भी ठंड लग गई है, बहुत ज़्यादा ठंड है भाई। पॉइंट का मकाम है, अभी 0 पॉइंट थोड़ा सा ऊपर है और बीच में हम रुक गए थे, बर्फ देख के पागल हो गए थे सारे। और नजारे कुछ ऐसे हैं। कल सुबह निकला था। अभी ठंडा ज़ियारत पहुंच गया। रास्ते में बहुत मस्ती किया है। तुम बेरा डैम था उधर रास्ते में, बहुत अच्छा घूमा, बहुत मजा आया। हमारा बलूचिस्तान बहुत अच्छा जगह है। आ जाओ चक्कर मारो ठंडा ज़ियारत। जल्दी है ट्रैकिंग 0 पॉइंट की। हम आ गए 0 पॉइंट की पीक चोटी के ऊपर और हमारी पहली डेस्टिनेशन बलूचिस्तान की मुकम्मल हुई। और अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ से नज़ारे तेज हवाओं के साथ। बहुत तेज हवा चल रही है, मेरी आवाज भी आपको बहुत कम आ रही होगी, सांस लेने में भी मसला थोड़ी कमी है, लेकिन बहुत ठंडी हवा है। दिखा सकता हूँ कि ये 0 पॉइंट है। 0 पॉइंट जो कायदे आज़म रेजिडेंसी से ऊपर है और इधर जो है रोड आके ख़त्म हो गया। यहाँ पे कुछ चौकीज़ वगैरह बनी हुई है और ये छोटे मोटे हाउसेस बने, फार्म हाउसेस बने हुए, और उसके अलावा जो है रोड यहाँ आके ख़त्म। आगे सारा का सारा पहाड़ी सिस्टम है, पहाड़ी सिलसिला चल रहा है। ये जो आप सामने दरख्त देख रहे हैं ना, ये तकरीबन 500 से 800 700 साल पुराने हैं। ये साल में 1 इंच बढ़ता है और अक्सर ये सुनने में ये आया है कि इसके साथ इससे पेंसिल बनती है चाय बनाने के अंदर। और 0 पॉइंट के ऊपर पार्टी जो है हवा को रोकने के। उबाल आ गया। और बहुत शानदार तरीके से उबाल आया है इसमें। ये देखें आप, जैकेटों से हवा रोकी जा रही है और उबाल आ गया चाय। रेजिडेंसी एंड दिस इज मी शाज़े व्लॉग्स। नज़ारे कुछ ऐसे हैं। इस वक्त कायदे आज़म रेजिडेंसी के अंदर मौजूद हैं और नज़ारे कुछ ऐसे हैं, बहुत ज़बरदस्त। आगे खुशी हुई भला
मोबक पिस्तैनी ओदा मंगलया मोलक पिस्तैनी ओदा मंगलया मत दलदा सुनो कमरा दुबरगा पको है जा मना संभाल मेरे यहाँ मत दलदा सुनो कमरा दुबरगा शारत गुल फुल मौसम बहारे पनी रूहा मयक थई इंतजारे उसे हमें ये एहसास हुआ कि कायदे आज़म ने किस तरह से अपने आखिरी वक्त को यहाँ पे गुजारा होगा। बहुत खूबसूरत रेजिडेंसी है और 2 महीने कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पे गुजारे इस रेजिडेंसी के अंदर। और इस रेजिडेंसी में आकर ये एहसास हुआ कि कायद जिना साहब रहमतुल्लाह अलैह और उनकी बहन का भी इसमें कमरा बना हुआ है, उनकी जिस तरह से तज़ीन और आराइश करी गई है और आज तक हेरिटेज को इस असासे को यहाँ पे रखा हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि किस तरह से हमारे कायद मोहतरम मोहम्मद अली जिना साहब का इनकी रेजिडेंसी को इनको संभाल के रखा हुआ है। और आज भी वही स्मेल आ रही है, ऐसी स्मेल मैंने कभी नहीं देखी ना सुनी। और ज़्यारत शहर अच्छा है, बहुत अच्छा है, रेजिडेंसी के हवाले से अच्छा है, इसी वजह से यहाँ आबादी भी हो गई। तो गाइस आप लोग आओ, चेकआउट करो, चेक करो ज़्यारत को, ज़्यारत बहुत ज़बरदस्त शहर है, व्यूज़ बहुत अच्छे हैं, नज़ारे बहुत अच्छे हैं, ज़ीरो पॉइंट बहुत अच्छा है, बहुत कमाल का ज़ीरो पॉइंट है, उसके नज़ारे बहुत खूबसूरत हैं, बहुत तेज़ हवा है, ठंड है, सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। और बर्फ़बारी भी अनकरीब होने वाली है और बर्फ़बारी हो जाए तो इधर इसके मंज़र ही अलग हो जाते हैं, इसके नज़ारे ही अलग हो जाते हैं। तो गाइस आप लोग आए इंजॉय करें, क्वेटा, क्वेटा से ज़्यारत, ज़्यारत से कायदे आज़म रेजिडेंसी, रेजिडेंसी से ज़ीरो पॉइंट। थैंक यू, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़, शेयर माई वीडियोज़, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। पको है जा मना संभाल।